फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल माय नॉलेज बुफे को सब्सक्राइब जरूर करें, सो दैट आपको मेरे चैनल की लेटेस्ट वीडियोस जो कि एजुकेशनल और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होती हैं टाइमली मिल सके। थैंक यू सो मच इन एडवांस। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है माय नॉलेज बुफे चैनल पे एंड होप ऑल ऑफ यू आर सुपर गुड। देखिए, इस फास्ट पेस वर्ल्ड में हम लोग बहुत टाइम अपना बचाते हैं कि लॉन्ग सेंटेंसेज ना लिखना पड़े, शॉर्ट टर्म्स यूज करें, बट कई बार वो शॉर्ट टर्म्स हमको कंफ्यूज कर देते हैं बिकॉज हम अपडेटेड नहीं होते बिजनेस एब्रीविएशंस के साथ। तो इसी कंसर्न को ध्यान में रखते हुए आज मैंने ये जो वीडियो बनाया है इसमें राउंडेड अप करी है 20 कूल बिजनेस एब्रीविएशंस जो आपके लिए डेफिनेटली इन्फॉर्मेटिव रहेंगे। तो चलिए, लेट्स हैव अ लुक इन इट्स डिटेल, सो हियर वी गो। तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ईओडी से, विच स्टैंड्स फॉर एंड ऑफ द डे। नेक्स्ट वन इज ETA, विच स्टैंड्स फॉर एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल। PFA stands for please find attached. The fourth one is POA, that is plan of action. Next is RFP, request for proposal. IMHO, in my humble opinion. Sixth is POC, that is point of contact. Next one is COB, stands for close of business. Eighth is EOM, that stands for end of message. Next is FTE, full-time employee. IAM, in a meeting. LET, leaving early today. The 12th one is OOO, that stands for out of office. YTD, year to date. WFH, work from home. Next one is MTD, that stands for month to date. Next is RFD, request for discussion. Here is TOS, stands for terms of service. The next one is TED, tell me, explain to me, describe to me. Now TLTR, that is too long to read. So friends, ये वो 20 business abbreviations हैं जो commonly used हैं, आपको रोजाना देखने को मिलेंगी business emails में। तो अब आप confused नहीं होंगे, I believe, और ये video आपके लिए definitely informative रहा होगा। So for now, thanks for watching this video. Like करें, share करें, subscribe करें मेरे channel को, so that आपको मेरे channel की latest video timely मिलती रहे. Thanks a lot. Bye bye.